जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंडरिंग जू प्लांट के बारे में, जो कि मॉनसून सीज़न का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। हर एक पत्ती से भी ये पौधा मॉनसून सीज़न में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट भी हो जाता है। कैसे प्रोपोगेट होगा वो मैं बताऊँगी, और किस तरीके से आप इसकी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका जो है आप इनडोर आउटडोर कहीं इसको प्लेस करके रख सकते हैं। दोनों ही जगह ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है और बहुत ही आसानी से ये प्रोपगेट भी हो जाती है। इसकी केयर के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप के। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो ये है मेरा वांडरिंग जू का प्लांट, हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसे किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी पॉट में, हर एक इंच, इसको इंच प्लांट भी कहते हैं, तो हर एक इंच पर इसके एक पत्ती होती है और हर पत्ती के नीचे जो है आपको रूट मॉनसून सीजन में ही देखने को मिलेगी फ्रेंड, आपको अदर सीज़न में नहीं मिलेगी। हाँ, फरवरी में स्प्रिंग सीज़न में कभी कभी देखने को मिल सकती है, अगर उस समय थोड़े बादल वाला मौसम हो जाए तो। तो फ्रेंड्स, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ, तो आप गैस कर सकते हैं कि ये पौधा मैं आपको किस तरीके से जानकारी दे रही हूँ, ये मेरे यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से दे। तो किसी भी पौधे को ग्रो करने में एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और मॉनसून सीज़न तो हर जगह आपको अच्छे से पौधे ग्रो करने की हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आप इस पौधे को नर्सरी से ला सकते हैं या छोटी से छोटी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इसके भी जो है पत्ती के नीचे आपको रूट मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पर रूट बनी हुई है, और बस आपको इसके थोड़ा सा नीचे से कट करके और लगा देना है, वो रूट आराम से चलने लगेगी और आपके पास एक और नया प्लांट रेडी हो जाएगा। ये मेरी वांडरिंग जू की दूसरी हैंगिंग बास्केट है जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैंने नीचे उतार लिया ताकि मैं आराम से आपको दिखा सकूँ कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ हैं। वंडरिंग जू में एक और ग्रीन कलर का वेरिएशन भी आता है, मतलब वेरीगेटेड जो है वो भी आता है प्लांट, आप उसको भी ला के लगा सकते हैं अगर मिल जाए तो। यहाँ पर मैं आपको रूट्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हर एक इंच के बाद एक नोड एरिया आता है और वहाँ पर इसके रूट्स बहुत सारी निकली होती है, और सिर्फ मानसून में मैंने ये देखी है, मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग मैंने ये देखी है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जो महाराष्ट्र है या छत्तीसगढ़ है, इस टाइप के इलाकों में ये मॉनसून सीज़न में आराम से प्रोपोगेट हो जाती है। बाकी आप इसको एज इट इज़ साल भर बना के रख सकते हैं, शेड एरिया में रखिएगा, लेकिन मॉनसून सीज़न में आप इसे बाहर ओपन एरिया में भी रख सकते हैं। सर्दियों में इसको थोड़ा इंडोर ले लीजिएगा, ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसकी केयर कैसे करनी है, तो मिट्टी कैसी बनानी है, मिट्टी आपको बराबर मात्रा में कंस्ट्रक्शन सैंड, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके थोड़ा सा फंगीसाइड या फिर सरसों खली, नीम खली, ये भी मिक्स करके आप बना करके लगा सकते हैं। इसके ऊपर होने वाले पेस्ट अटैक के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने वैसे इसके ऊपर कोई कीड़ा देखा नहीं है कभी। वाइट फ्लाइज अगर आप शेड एरिया में रखते हैं ना, तो वाइट फ्लाइज का अटैक होने लगता है पौधों पर। तो जब ऑफ सीज़न का मतलब होता है जब पौधा डॉर्मेंसी में होता है, सुसुप्ता अवस्था में होता है, तब ये पौधा जो है वाइट फ्लाइज और सूखा होने लग जाता है, रूखा सूखा। लेकिन उस समय आपको ज़्यादा खाद नहीं देना है, इसे एज इट इज़ छोड़ देना। अभी फ़िलहाल बारिश में आप इसके ढेरों कटिंग लगाइए, ढेरों प्लांट लगाइए, बहुत अच्छे से चलेगा, फ़ायदा उठाइए और झटपट से इसको ग्रो कर लीजिए। इसको ग्रो करने का सही समय है फरवरी से लेकर अप्रैल तक, उसके बाद आप इसे ग्रो कर सकते हैं जुलाई से लेकर नवंबर तक। उसके बाद ये ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी, यानी कि मई जून दिसंबर जनवरी में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं पचपदनाथ प्लानर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।